कि दिन रात मंगा मैं हो दुआ। कहना चाहूंगा आज जिस तरह से कोरोना के खिलाफ आज हमारी डॉक्टरों की जमात जो है जिस तरह से लगी अपनी जान की परवाह न करके, तो सरकार कहती है कि अगर कोरोना के चलते उनकी महामारी के चलते हुए अगर उनकी डेथ हो जाती है 50 लाख रुपए, मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ दो उनको 50 भी क्यों, परंतु हमारे किसान की अगर मृत्यु हो जाती है इस कोरोना के चलते हुए, क्योंकि किसान देश का पेट भरने के लिए अपनी अपनी जान की बाजी लगा करके खेतों में रह करके जिस तरह से अन्न ला करके मंडी में दे रहा है, अगर इनकी किसी प्रकार की हादसा इनके साथ हो गया तो इनके लिए भी ठीक उसी तरह का जिस तरह से देश में लड़ते हुए एक सैनिक को अनेक तरह के अवसर दिए जाते हैं, जैसे किसी को पेट्रोल पंप दे दिया शहीद हो गया, उसको करोड़ों रुपए दे दिए, किसान भी जिस तरह से वो हमारा सैनिक लड़ता है इसी तरह से किसान भी एक मोर्चे पे लड़ता है, इसको भी उसी तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए। जब सरसों लेकर के कोई मिसाल के तौर पे आएगा, दूसरा आदमी भी आ गया, तीसरा भी आ गया, भीड़ हो जाएगी मंडियों में, उस भीड़ को कम करने का एक ही तरीका है कि उनको छूट इस प्रकार की दे दें कि जितना लेट आप दोगे, उदाहरण के तौर पे अप्रैल माह ये टाइम रख दिया, अगर मई में कोई देगा तो सरकार 1.5 रुपये सैकड़ा उसको ब्याज दे, सरकार अगर उसको जुलाई में खरीदे तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का 1.5 रुपये सैकड़ा ब्याज दे, जो आड़ती से वो पैसा लेता है ब्याज दे, ताकि वो किसान जल्दी भी ना करे और अपना सरकार को भी दिक्कत ना हो। इस प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम है, इन पर अगर सरकार बैठ के कोई चर्चा करे तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सरकार से आगाह करना चाहता हूँ कि किसानों को तकलीफ ना दें, और जिस तरह से पहले सिस्टम चला आ रहा था उसी के अनुसार प्रोक्योरमेंट हो, और नए तजर्बे करने का ये अवसर नहीं है, नए तजर्बे करें तो आगे बहुत समय है, तब करके देख ले। आम बातों का उल्लेख इसमें किया और सरकार तक पहुँचाने की वो बातें जो उनके जिम्मे बनती थी, नैतिक कर्तव्य बनता था, उन्होंने किया, परंतु उन्होंने मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि आप हिसार लोकसभा क्षेत्र के नलवा विधानसभा क्षेत्र में, खास करके हमारी जो 5 मंडियां नलवा विधानसभा क्षेत्र में बनी हैं, इनमें मैं शुरू किए मैंने मंगाली से और पूरी 5 मंडियों में जाऊंगा, ये दिशा निर्देश चौधरी कुलदीप मिश्री मुझे दिए थे। लोगों की टेलीफोन के माध्यम से, अखबारात के माध्यम से अनेक समस्याएं आई, प्रैक्टिकल तौर पे जो सरकार जो कर रही है वो पॉसिबल नहीं है, और जो होना चाहिए वो सरकार कर नहीं रही है, सरकार हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है। कोरोना एक भयंकर महामारी के चलते आज पूरा देश जो सरकार कहती है वो करती है, और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता चौधरी कुलदीप मिश्रा जी ने पहले दिन से कहा कि जो सरकार जो दिशा निर्देश दे उसके अनुसार काम करें, परंतु आज ये समय नहीं था हमें आरोप प्रत्यारोप करने का, परंतु किसान की समस्या को, मजदूर की समस्या को देखते हुए हम लोगों को मंडियों में आना पड़ा, और आज किसान इस बात के लिए बड़ा दुखी है कि हमारी फसल बड़ी मुश्किल से कोरोना के चलते हुए उन्होंने अपनी जहाँ जान बचाने के लिए प्रयास किए, वहाँ अपना खुद अपने हाथ से काम करके उन्होंने अपनी फसलों को इकट्ठा किया, कटाई की, थ्रेसिंग की और मंडियों में लेकर के आए हैं। आज मंडियों में उनकी हालत ये है, जो मैं गेहूँ देख रहा हूँ इतनी साफ सुथरी गेहूँ है कि देखो इसमें कोई कहीं कोई चीज़ है नहीं, आप देखो किसी प्रकार का रेत मिट्टी धूल कुछ नहीं, इसके बावजूद भी सरकार अन्य अनेकों तरह के अड़ंगे डाल करके इसमें पंखा नहीं लगाया, इसमें झार नहीं लगाई, और इस प्रकार के जो हैं उन्होंने नियमों के विरुद्ध सरकार जो है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें पंखा लगाएं, अगर पंखा लगाना है तो सरकार यहाँ बिजली मुहैया कराए, जनरेटर मुहैया कराए और पंखे लगा करके साफ कर ले, किसान को क्या आपत्ति नहीं है, परंतु किसान के पास वो चीज़ें नहीं है, परंतु सरकार किसान की हितैषी होने के दावे करती है, परंतु किसान ने, किसान के लिए सरकार ने कुछ भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे किसान की परेशानी कम हो। मैं किसान प्रदेश की सरकार को कहना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार जब MSP पे गेहूं खरीदना चाहती है, MSP पे सरसों खरीदना चाहती है, तो यहाँ का इस इलाके का किसान जो चने का उत्पादन करता है, वो चने को भी हमारा किसान कहता है कि उसको भी MSP खरीदा जाए, ये इनकी मांग है। और इसके साथ साथ किसान को अगर राहत देना चाहती है सरकार, तो आड़तियों को ये कहे, आड़ती गांव में जाकर के अपने अपने आड़तियों अपने अपने किसानों से वो खुद अपना लिफ्टिंग कर ले, और लिफ्टिंग करके जो पैसा आएगा वो किसान के खाते में डाल दें,
ना सरकार को कोई दिक्कत होगी, ना किसान को कोई दिक्कत होगी, ना को आड़ती को दिक्कत होगी। इसलिए आड़ती और किसान का जो आपस का संबंध है उसको ठीक अगर रखना है, और कोरोना के चलते अगर इस महामारी के चलते हुए अगर सरकार कहती है कि हम जनता को बचाना भी चाहते हैं, तो जनता को बचाना चाहते हैं तो ना तो भीड़ होगी मंडियों में और ना आड़ती और किसान का बिगाड़ होगा। आड़तियों के जुम्मे कर दें गाँव से, लिफ्टिंग पहले भी करते थे, आज भी कर लें। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो इन्होंने कहा कि सरसों ऑनलाइन कराओ, गेहूं ऑनलाइन कराओ, अरे जब किसान अपना उत्पादन अपने खेत से करता है, ये कोई विदेश से ला करके तो यहाँ गेहूँ बेचता नहीं, इसलिए इनको सबसे पहले ये छूट देनी चाहिए कि कोई ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं। पूरे साल भर में जब भी किसान अपना माल लेकर के मंडी में जाए तो मिनिमम स्पॉट प्राइस पे तो सरकार खरीदेगी, ये इंश्योर करे। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब सरसों लेकर के कोई मिसाल के तौर पे आएगा, दूसरा आदमी भी आ गया, तीसरा भी आ गया, भीड़ हो जाएगी मंडियों में। उस भीड़ को कम करने का एक ही तरीका है कि उनको छूट इस प्रकार की दे दे कि जितना लेट आप दोगे, उदाहरण के तौर पे अप्रैल माह ये टाइम रख दिया, अगर मई में कोई देगा तो सरकार 1.5 रुपये सैकड़ा उसको ब्याज दे, सरकार अगर उसको जुलाई में खरीदे तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का 1.5 रुपये सैकड़ा ब्याज दे, जो आड़ती से वो पैसा लेता है ब्याज पे, ताकि वो किसान जल्दी भी ना करे और अपना सरकार को भी दिक्कत ना हो। इस प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम है, इन पर अगर सरकार बैठ के कोई चर्चा करे तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं पुनः आप सब साथियों का मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बढ़िया मास्क वगैरह लगा करके आप जो अपने जागरूक आदमी हो और आपने अपनी तमाम कठिनाइयाँ हैं उनके बावजूद भी अपने आप को सेफ भी रखे हुए हो और अपनी फसल को बचाने का काम भी किया है। सरकार ने अनेकों तरह के कह दिया, उद्योग को छूट है, 3 महीने किस्त ना भरे, अनेकों तरह की रियायतें देने का उन्होंने काम किया। परंतु मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री जी को कि किसान के लिए ऐसी कौन सी चीज़ दी कोरोना के चलते? क्या उन्होंने गेहूं पर बोनस देने की बात की? क्या चने का स्पोर्ट्स प्राइस देने की बात की? क्या उन्होंने सरसों के ऊपर को बोनस देने की बात की? अरे तरह तरह की कठिनाइयाँ तो पैदा किसान के सामने, परंतु सरकार के पास ऐसी कौन सी नीति थी जिसके चलते उसकी सरसों की फसल कट करके मैदान यहाँ आ जाती मंडी में? ऐसी कौन सी नीति थी जिससे गेहूं कट करके, गेहूं निकाल करके यहाँ मंडियों में आ जाती, चना मंडियों में आ जाता? ऐसा कौन सा जादू की छड़ी थी जो देश के प्रधानमंत्री महोदय और प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ऐसा कर देते तो किसान तो अपने घर से भी नहीं निकलता। मैं कहना चाहूँगा आज जिस तरह से कोरोना के खिलाफ आज हमारी डॉक्टरों की जमात जो है जिस तरह से लगी अपनी जान की परवाह न करके, तो सरकार कहती है कि अगर कोरोना के चलते उनकी महामारी के चलते हुए अगर उनकी डेथ हो जाती है 50 लाख रुपए, मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ दो उनको, 50 भी क्यों, परंतु हमारे किसान की अगर मृत्यु हो जाती है इस कोरोना के चलते हुए, क्योंकि किसान देश का पेट भरने के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके खेतों में रह करके जिस तरह से अन्न ला करके मंडी में दे रहा है, अगर इनकी किसी प्रकार की हादसा इनके साथ हो गया तो इनके लिए भी ठीक उसी तरह का जिस तरह से देश में लड़ते हुए एक सैनिक को अनेक तरह के अवसर दिए जाते हैं, जैसे किसी को पेट्रोल पंप दे दिया शहीद हो गया, उसको करोड़ों रुपए दे दिए, किसान भी जिस तरह से वो हमारा सैनिक लड़ता है इसी तरह से किसान भी एक मोर्चे पे लड़ता है, इसको भी उसी तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए जो किसान आज बेचारा जिसकी माली हालत बहुत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अनेकों इस प्रकार की बातें हैं, किसान तो बेचारा अन्नदाता है, अगर भगवान के बाद अगर कोई है तो किसान है जो सबका पेट भरने का काम करता है, और पेट बगैर भरे जीवित नहीं रह सकता इंसान। नोटों के चाहे ये गाड़ी भरी हो, बैंक भरे हो, अगर घर में आटा नहीं है तो क्या कोई जीवित रह सकता है? इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ सरकार को जगाना चाहता हूँ, प्रदेश की सरकार की अगर नीयत ठीक है और नीति भी ठीक करे। इसलिए पुनः सरकार से आगाह करना चाहता हूँ कि किसानों को तकलीफ ना दें, और जिस तरह से पहले सिस्टम चला आ रहा था उसी के अनुसार प्रोक्योरमेंट हो, और नए तजर्बे करने का यह अवसर नहीं है, नए तजर्बे करें तो आगे बहुत समय है, तब करके देख लें।